कश्मीर में चुन चुन कर गैर मुस्लिमों की हत्या को लेकर हिंदू समुदाय में रोष पाया जा रहा है। लगातार हो रहे हिंदुओं पर हमलों के विरोध में बजरंग दल ने बरनाला के मुख्य बाजार में पाकिस्तान का झंडा जलाकर विरोध किया। बीते दिनों श्रीनगर के स्कूल में लाइन में खड़ा करके सिख प्रिंसिपल और हिंदू शिक्षक को गोली मारने की घटना पर रोष और निंदा व्यक्त करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पंजाब प्रांत सह संयोजक नीलमणि समाधिया ने कहा कि कश्मीर में एक बार फिर से 1990 के दशक जैसा माहौल बन गया है, जिसमें चुन चुन कर हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं। ये सब सीमा पार से पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A के हटने के बाद अब अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के कारण आतंकवादी घटनाओं में एकाएक वृद्धि हुई है। बजरंग दल कश्मीर के हिंदू समाज के साथ पूरी शक्ति से खड़ा है और पाकिस्तान की इस हरकतों का वह मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। कश्मीर घाटी पिछले एक साल तो लगभग पाकिस्तान सानू खुला चैलेंज दे रहा वा कि तुम आज वो की कर सकते हो। अं उस बारे दसना चाहते हैं कि पाकिस्तान तो 1947 में भी साढ़े सामने कुछ नहीं सी, हूँ भी कुछ नहीं है। जिहड़ा 35A ते धारा 370 खत्म होने तो बाद जिहड़ा पाकिस्तान ये गतिविधियां कर रहा वा, जिहड़ा 1990 दशक में वो घरों कढ़ कढ़ के हिंदू ते सिखां अल्पसंख्यक घरों कढ़ के बसों में कढ़ कढ़ के नाप पुछ पुछ के मार रहा है, वही हाल ये 30 साल बाद कर रहा वा। पर हूँ भुल गया वा कि उस समय की सरकार हूँ नहीं है, तो उस समय के हिंदू भी वो है नहीं। हूँ जिहड़ा हिंदू आ घर कढ़ के मारन वाला वा, कि पाकिस्तान अज ये बजरंग दल पूरे देश के 1000 थावें ये पाकिस्तान का झंडा फूक के उन्होंने चैलेंज कर जा रहा वा कि जे पाकिस्तान अपने इन मनसूबों तो अपने इन्होंने कर्मों तो नहीं मनिया तो उन्होंने घरों पिछों कढ़ के भी मारन जोगे बजरंग दल के मुंडे है।